नमस्कार, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास सेवेंथ साइंस को शुरू करने वाले हैं और आज चैप्टर वन है। इससे पहले मैंने क्लास सिक्स का टोटल जो 1 से 16 चैप्टर तक का जो पार्ट है, सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया है। अगर आपकी आपको रिक्वायरमेंट है क्लास सिक्स के साइंस के बारे में जानने के लिए, या आपने कोई दोस्त हैं आपके जो कि क्लास सिक्स में हैं, तो उनको ये वीडियो जो है रिकमेंड कर सकते हैं आप। तो और इस सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर वन को, न्यूट्रिएशन इन प्लांट, यानी पौधों में जो न्यूट्रिएशन है। क्लास सिक्स में हमने देखा, अगर आप क्लास सेवन में है तो ये जानते होंगे, क्लास सिक्स में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएशन इन एनिमल्स। उसके बाद ये हम शुरू कर रहे हैं क्लास सेवन में, फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिएशन इन प्लांट। तो पौधों में जो न्यूट्रिएशन है वो कैसे, कहाँ से और किस प्रकार से ये बनता है और आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिएशन इन प्लांट के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि जो हम भोजन करते हैं वो, उसकी आवश्यकता हमें किस लिए होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल क्या है, तो फ्यूल है। कार का क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। जब तक पेट्रोल और डीजल हम गाड़ी में नहीं डालते हैं, गाड़ी जो है चलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो आदमी का जो फ्यूल है, या कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है, फूड है। भोजन जो है हमारी, या हमारा फ्यूल कह सकते हैं, हमारी बॉडी का फ्यूल है, एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। जब हम कोई भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है ना, और उस एनर्जी के बल पर, यानी कि उस एनर्जी के आधार पर हम किसी काम को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ह्यूमन फूड जो होते हैं, इनके सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो हमने देखा सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। यानी कि जो सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है ह्यूमन फूड के लिए, ये पौधों से भी मिल जाता है और जानवरों से भी प्राप्त होता है। पौधों से जो प्राप्त होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गए, वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत तमाम चीजें जो है प्लांट से हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम एनिमल से देखें, हमें एनिमल से क्या क्या मिल पाता है, तो एग्स, मिल्क, मीट, फिशेस एंड चिकन, ये सभी चीजें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। तो ये हम एक ग्लैंस देख रहे हैं कि मनुष्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और क्यों होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाता है। तो सम एनिमल ईट प्लांट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ जो जानवर होते हैं वो प्लांट खाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो अदर जानवर को, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी उनमें से होते हैं जो दोनों खाते हैं। दोनों का मतलब प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल। ठीक है, तो हमने क्लास सिक्स में भी ये पढ़ा था कि हम इनको 3 कैटेगरी में, जो जानवर अगर हम कहें प्लांट्स खाने वाले को क्या कहते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, और बोट यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हर्बीवोर का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन यानी कि प्लांट खाने वाले जानवर। ठीक है, कॉर्निवोर का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाता है, जो मीट खाता है। और ओमनीवोर का मतलब है यहाँ पे कि दोनों, यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाता है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, हर्बीवोर एनिमल ईट ओनली प्लांट, जैसे में गाय होता है। ठीक है, कॉर्निवोर एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, ये सभी हो गए। ठीक है, ओमनीवोर्स एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कौवा हो गया या कुछ इस तरह के जो कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, ये प्लांट्स यानी कि प्लांट से मिलने वाले जो भोजन होते हैं उन्हें भी खाते हैं, और एज इट इज एनिमल्स भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की कैटेगरी हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा था, 3 तरह की कैटेगरी होती है एनिमल्स की एज ए फूड, मतलब भोजन के उसमें 3 कैटेगरी में हमने इसको किया है। अगर हम देखें यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, तो हम देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल जो सोर्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग करते हैं। यानी पौधों से भी जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, या जानवरों से भी प्राप्त होने वाली चीजें हैं, वो कौन खाते हैं, ह्यूमन बीइंग खाते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स
जो भी प्राप्त होता है, चाहे वो प्लांट से प्राप्त हो रहा हो, चाहे एनिमल से प्राप्त हो रहा हो, वो जानवर भी खाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों से, प्लांट एंड एनिमल, दोनों चीजों को, दोनों मतलब प्लांट एनिमल भी खाते हैं और ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कि वेयर डज द फूड ऑफ प्लांट कम फ्रॉम। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं कि एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, हमने बात किया यहाँ पे कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या खाते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, हमने देखा एनिमल्स जो होते हैं एनिमल भी खाते हैं, यानी अदर एनिमल्स को खाते हैं प्लस प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो प्लांट है ये भी तो लिविंग है, तो ये कहाँ से, इसका भोजन कहाँ से आता है, क्या ये दूसरे किसी और चीज पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए? आइए इसके बारे में जानते हैं कि पौधों का भोजन कहाँ से आता है, ये क्या दूसरे जीवों पर भी निर्भर करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, क्या पौधे जो होते हैं ये अपने भोजन के लिए किसी और पे भी डिपेंड करते हैं? तो नो, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, इट इज नॉट, ये किसी और चीजों पे, यानी किसी और जानवर पे या प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्या होता है भाई, तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिएगा, प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन देमसेल्फ बाय जो से अपना खुद से बनाता है। लेकिन यहाँ पे यूज क्या क्या करता है, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके पास जिससे ये अपना भोजन बनाता है और यूज करता है। अगर हम बात करें आवर फूड, जो हमारा भोजन बनता है, अगर हमें राइस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो राइस ग्रेन चाहिए और वाटर चाहिए, फिर हम क्या बना पाते हैं, राइस बना पाते हैं। अगर हम बात करें प्लांट फूड की बात करें, तो इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता और मिनरल चाहिए होता है। यानी ठीक वैसे ही जैसे अगर हम कहें कि हमारे भोजन में जब हम चावल बनाते हैं तो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है जो कि राइस ग्रेन और वाटर के रूप में हमें मिलता है, और हम फिर इससे दोनों को चीजों को यूज करके कुछ प्रोसेस के थ्रू हम अपना राइस बना लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि प्लांट फूड जो होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो जब प्लांट फूड अपना बनाता है तो इनके लिए वाटर चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल चाहिए होता है। अब जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ से और कैसे ये प्राप्त करते हैं इन चीजों को। सबसे पहले तो एक चीज हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिएशन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएशन क्या है। तो न्यूट्रिएशन एक ऐसी चीज है, या कह सकते हैं कि एक भोजन लेने का जो मोड है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसको यूटिलाइजेशन करने की एक प्रक्रिया है, एक मोड है। जैसे अगर हम कोई भोजन लेते हैं तो किस मोड में लेते हैं, कैसे लेते हैं और उसको हम यूटिलाइजेशन क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएशन है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक होता है और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ऑटो और ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब क्या है, नरिशमेंट, यानी खुद से तैयार कर लेना। यानी ये खुद से कौन तैयार करता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है जिसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है, और ये मोड ऑफ न्यूट्रिएशन किन में पाया जाता है या किन ऑर्गेनिज्म में होता है, तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, जो कि सिंपल सब्सटेंसेस से होता है, और उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ध्यान देना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन क्या होता है, तो वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से सिंपल सब्सटेंसेस से मिला करके या मिल करके बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ठीक उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर, यानी दूसरों के द्वारा नरिशमेंट यानी तैयार किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर दियर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन कहते हैं। ये क्लियर हो गया, न्यूट्रिएशन दो प्रकार के होते हैं,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ऑटो में क्या है, खुद से जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन कहते हैं, और हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब वही चीज एक बार फिर से हम देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन किन में होता है, तो प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या है, प्लांट, प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, यानी प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, यानी प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ मोड बोलते हैं। ठीक है, अगर वहीं इसके अपोजिट में देखें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन की बात करें तो इसका क्या मतलब है, डिपेंड ऑन अदर फूड, अदर सोर्स फूड, यानी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, यानी कि कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि वो किसी और पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है या आधारित है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और इनमें कौन कौन आ जाएगा, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स, और कुछ पौधे भी हैं जो इनमें और हेटरोट्रॉप में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हाउ डू प्लांट प्रिपेयर दियर ऑन फूड, जो पौधे हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड इज मेड, किस भाग में, यानी पौधे के किस भाग में भोजन तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, फ्रॉम वेयर प्लांट गेट रॉ मटेरियल फॉर इट फूड प्रिपेयर, भोजन बनाने के लिए पौधे अपना जो रॉ मटेरियल है यानी कि इंग्रीडियंट्स है कहाँ से प्राप्त करते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम जानने वाले हैं, बने रहिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ डू प्लांट प्रिपेयर दियर ऑन फूड, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस का क्या नाम है, सॉरी जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें भोजन बनाया जाता है पौधों के द्वारा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें भोजन बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फूड इज मेड, पौधे के किस भाग में भोजन बनता है, तो हम क्या कहते हैं, वी प्रिपेयर और फूड, हमारा भोजन कहाँ तैयार होता है, तो किचन में होता है। ठीक उसी प्रकार पौधों का जो भोजन प्रिपेयर होता है वो पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियों को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं या किचन कह सकते हैं, प्लांट किचन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधों का जो भोजन है ये कहाँ बनता है, तो उनकी पत्तियों पर बनता है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे, अब ध्यान दी, फ्रॉम वेयर प्लांट गेट रॉ मटेरियल फॉर इट्स फूड प्रिपरेशन, जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ कहाँ से, यानी किन किन जगहों से ये प्राप्त करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज एयर से प्राप्त करते हैं ये CO2, हमने बात किया था पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है और मिनरल चाहिए होता है, तो वही चीज है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो CO2 मिलता है एयर से, वाटर मिल जाता है उन्हें सोयल से, और मिनरल्स भी मिलता है कहाँ से, सोयल। इट इज क्लियर, तो अब बात करेंगे फूड लिव क्या है, तो लिव है फूड फैक्ट्री यानी किचन ऑफ द प्लांट, पत्तियां जो हैं पौधों की किचन होती हैं यानी फूड फैक्ट्री होती हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन क्या क्या चाहिए, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। ठीक है, ये ऊपर भी बात कर चुके हैं हमने, आइए अब यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे इन चीजों को ये प्राप्त करती है। अगर हम कहें ये CO2 जो है वो कहाँ से प्राप्त करती है, प्लांट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी तो और भी इसका एक्सेसिव होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रयोग करने के लिए, यानी भोजन बनाने के लिए। ठीक है, फिर हमने बात किया कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होता है, तो रूट से प्राप्त होता है, जड़ों से मिलता है वाटर एंड मिनरल्स, और ये हर एक पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि हर एक पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर वहां पर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको देखेंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहली चीज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, हमने मोटे तौर पर देखा कि पत्तियों के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पत्तियों में एक स्टोमेटा नाम की एक कह सकते हैं कि यूनिट होती है। ठीक है, एक छिद्र, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको पोर्स
पोरस बोलते हैं या छोटे छिद्र को पोरस नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा जब ओपनिंग होती है तो इस तरह का दिखता है और इसके बाहर एक गार्ड सेल होता है, ठीक है। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब की जाती है यानी अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो हाउ वाटर एंड मिनरल्स दिस लीफ पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि इसमें दो वेन्स होती हैं, दो नसें होती हैं, दो पाइप होती हैं पौधों में, एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो होता है ये क्या करता है, ध्यान देना, अगर ये बात करें कि ये जाइलम है तो ये रूट से, जड़ से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, और ये फ्लोएम का काम होता है बना हुआ भोजन हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो हम ये जान लें कि मिनरल एंड वाटर जो होता है वो किसके थ्रू जाता है, जड़ के थ्रू। ये एक जाइलम नाम की वेन्स होती है, नसें होती हैं इसमें, पाइप कैपिलरी कह सकते हैं, ये हर एक पत्तियों तक मिनरल एंड वाटर को पहुंचाती है। अब आप देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे देखो इसको डिफाइन किया गया, फोटो का मतलब क्या है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, यानी प्रकाश को जोड़ना, प्रकाश के साथ जुड़ना, यानी कहने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कब कार्य करता है यानी कब होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में, और किसके प्रकाश की, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है। तो सूर्य कब निकलता है भाई, डे टाइम में। डे टाइम में क्या होता है, पत्तियों पर स्टोमेटा होता है, ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। बाकी पत्तियों में एक होता है पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव हेल्प लीव्स टू कैप्चर सनलाइट। और जैसे ये स्टोमेटा है, हमने बात किया कि जो स्टोमेटा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये किसको कैप्चर करता है, तो सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। अब यहां पे देखो why human being cannot synthesize their own food like plant, मनुष्य क्यों नहीं अपना भोजन जैसे पौधे synthesize करते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं पौधे, उसी तरह से मनुष्य अपना भोजन क्यों नहीं बना पाता। तो आप देखो ध्यान दो मनुष्य के पास क्या क्या नहीं है और क्यों नहीं बना सकता, तो मनुष्य के शरीर में क्लोरोफिल नहीं, और क्लोरोफिल ही क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है जो कि पौधों में होता है, ठीक है। तो मनुष्य के बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण कह सकते हैं कि दिस इज ओनली कंपोनेंट दैट कैन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, यानी कि ये जो क्लोरोफिल एक कंपोनेंट है पौधों में होता है, और यही सोलर रेडिएशन को यानी सूर्य की जो गर्मी है या कह सकते हैं जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर करता है, जिसके द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। यानी विदाउट सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, बिना सूर्य के प्रकाश के यानी बिना सूर्य की गर्मी के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस या सॉरी क्लोरोफिल नाम की कोई पिगमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्लोरोफिल ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये टू नहीं है, यहाँ पे है, ध्यान देना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। दोनों चीजों को ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो स्टोमेटा, और ये दोनों मौजूद होते हैं पत्तियों में। फिर रूट किसको किसको एब्जॉर्ब करता है, तो रूट से मिलता है मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। ये दो चीजें जड़ से मिलती हैं, दो चीजें पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और आगे देखिए कैसे इन सभी चीजों को मिला करके भोजन जो है पौधे जो है अपना भोजन, तब ये देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, तो ये मिल गया एयर से, ये मिल गया किससे, जड़, ठीक है। वाटर के साथ ही हमने मिनरल को भी कंबाइन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज की उपस्थिति होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और पौधों में क्लोरोफिल, ठीक है, ये दो चीजें इसके प्रेजेंस में, ये फिर फॉर्म करता है क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे अपने भोजन के रूप में संग्रहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमें ये क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस के दौरान पौधे अपना भोजन भी बना लेते हैं और हमें हमारा ऑक्सीजन भी दे देते हैं। यानी एक कह सकते हैं कि प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं, हमारे पोल्यूटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं। इतने काम के पौधे हैं और हम पौधों को इतनी तेजी से काटते जा रहे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं। आप इस पौधे को देखो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लाइट एनर्जी मिल रही है, हवा से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा में क्या घुल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। पत्तियों पे क्या है, क्लोरोफिल, और जड़ से क्या मिल रहा है, वाटर एंड मिनरल, और ये सारे प्रोसेस होकर के क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जो हम ले लेते हैं। तो ये पूरा डायग्राम क्या शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप देखिए कि क्या जो फोटोसिंथेसिस है ये सभी पौधों में होता है। हमने देखा कुछ पौधों में, मान लीजिए कुछ पौधे देखे तो हमारे मन में आएगा क्या इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कहीं गए हम किसी जगह पे और, तो हमने देखा एक पौधे को, तो हमने पूछा क्या इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। किसी और जगह पे किसी और पौधे को देखा, किसी तरफ अलग प्रकार का जो पौधा है, तो हम ये दिमाग में आएगा कि क्या ये भी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जान लीजिए कि कुछ पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि जो ऊपर कुछ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन जो पौधे भोजन बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका थोड़ा सा प्रक्रिया अलग हो सकता है, वो भोजन बनाने की जो जगह है वो थोड़ी अलग हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है, आपको कैक्टस दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिखता है, ये जो कांटे दिख रहे हैं, ये जो कांटे दिख रहे हैं ये क्या है, ये पत्तियां ही है लेकिन ये कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो गए हैं। किसके कारण, तो लैक ऑफ वाटर के कारण, लैक ऑफ वाटर के कारण, पानी की कमी के कारण। ये जो है हमने पढ़ा एडप्टेशन, क्लासिक्स में एक चैप्टर था एडप्टेशन, अगर आपने उसे देखा होगा पिछले क्लास में या पढ़ा होगा तो आपको ये ध्यान में होगा कि एडप्टेशन क्या होता है, क्यों अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के पौधे अपनी पत्तियों के साथ या अपने रंग रूप के साथ मिलते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है एनवायरमेंट पे, वहां के एटमोस्फियर के आधार पे। तो ये जो कैक्टस है ये भी एक एटमोस्फियर का ही कह सकते हैं कि मारा हुआ है, या एक अलग एटमोस्फियर में उपजने वाला या जमने वाला पौधा है। तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसके बारे में जानेंगे कि बिसाइड लीव फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। पत्तियों के अलावा जो हरे पौधे होते हैं उनके अलग अलग पार्ट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें पत्ती नहीं है तो हम कहेंगे इसमें पत्ती नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस करता है वो कहाँ करता है, अपने ग्रीन स्टेम में, ये जो हरा इसका तना है मोटा सा आप देख रहे हो, इस तने में ये अपना, या ग्रीन ब्रांचेस जो होते हैं इसमें ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इनकी पत्तियां हरी नहीं है, वो तो मॉडिफाइड हो गई टू स्पाइन, कांटेदार हो गए। तो द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और ए स्पाइन लाइक लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट है इनकी पत्तियां सिकुड़ी हुई होती हैं, पतली होती हैं, नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन होता है पौधों में, पत्तियों के द्वारा जो पानी का उत्सर्जन हो जाता है, जो एवापोरेशन बन के निकल जाती है, उनका रिड्यूस करने के लिए ये पत्तियां स्पाइन लाइक लीव्स हो जाती हैं, कांटेदार हो जाती हैं, जिनसे उन पौधों का पानी कम सूखता है। और इस तरह के पौधे, दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम, इस तरह के पौधों के पास जो ग्रीन स्टेम होता है और यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्लियर। यानी जिन पौधों में, जो ग्रीन पौधों में पत्तियां नहीं होती या पत्तियां कांटेदार होती हैं, उन पौधों में भी भोजन यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कौन करता है, तो उनके तने करते हैं। फिर बात आती है कि डू कलर्ड लीव्स कैन आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या जो कुछ कलरफुल पत्तियां मिलती हैं, कुछ कलरफुल पौधे मिलते हैं, क्या ये भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं? तो यस, आपने कुछ पौधों को ऐसा देखा होगा जो कलरफुल होते हैं। हमने कहा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जरूरी नहीं है कि सब में जो कलर्ड पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं,
इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर ग्रीन पत्तियां नहीं है फिर भी इसमें क्लोरोफिल होता है, बट क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर है ये छुप जाता है, कवर्ड हो जाता है, जो अलग अलग कलर है जैसे रेड है, ब्राउन है, द अदर पिगमेंट्स है, मास्क द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को ढक देते हैं। ग्रीन कलर हमें दिखते नहीं है लेकिन वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य के लाइट को कैप्चर करते हैं, और उस तरह से ये पत्तियां, इस तरह की पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी प्रोसेस करती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अलगाई, जिसको काई कहते हैं अपने भाषा। आपने देखा होगा जहां पानी लग जाता है, कई दिनों तक पानी लंबे समय तक लगा रहता है, वहां की कुछ चीजों पर या कुछ वहां के जगहों पर काई जैसा इस तरह का कुछ आपको ग्रीन पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या है? अलगाई, काई है। ये भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और इनमें भी क्या क्वेश्चन है कि कैन यू गेस वाई अलगाई और ग्रीन इन कलर, क्यों ये कलर ग्रीन में क्यों होता है इनका? तो इनमें भी कंटेन होता है क्या? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन कलर इनको देता है। और इस तरह से अलगाई भी अपना भोजन जो है कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बना पाती है, बना सकती है। ठीक है? फिर बात आती है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप पृथ्वी पर जीवन इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस? यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो क्या पृथ्वी पर जीव या जीवन इमेजिन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, बड़े से बड़ी बड़ा जानवर हो या ह्यूमन बीइंग हो, ये सभी ठीक है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ये सभी भोजन के लिए पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। ये ध्यान देना ये बात। ये जो क्वेश्चन है बहुत कुछ कहता है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बिना फोटोसिंथेसिस के इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जो पौधों के द्वारा भोजन बनाया जाता है, जो पौधे जो भोजन तैयार करते हैं, उन पर जो बहुत सारे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, उस पे ही आधारित होते हैं। इसके साथ साथ, भोजन के साथ साथ ऑल्सो ऑक्सीजन, विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है जीवित रहने के लिए, ये भी पौधों के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के ऑब्सेंस में यानी ऑब्सेंस में कह सकते हैं अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पौधे के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जीव इन पे डिपेंडेंट है। जो ऑक्सीजन है, जो कि सबके लिए इसेंशियल है, आवश्यक है, ये भी पौधों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर पौधे नहीं होंगे, सबसे सीधी बात है कि फोटोसिंथेसिस नहीं तो पौधे नहीं, और पौधे नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लांट सोर्सेस, वीट, राइस, पल्सेस। हम इन सबको क्या करते हैं, क्या किस काम में लेते हैं? तो फूड के रूप में लेते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें मिलती है। ठीक है, आइए हम अब यहां पे बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस पे क्या मिलता है पौधों को। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमने वहां पे देखा, एक ऊपर हमने एक
इक्वेशन बनाया था या इक्वेशन आपने देखा कि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं सनलाइट, एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये हमने देखा कि पौधे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर लेते हैं, और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। ऑक्सीजन तो आ गया एटमॉस्फेयर में, कार्बोहाइड्रेट्स को ये अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट में देखिए, फोटोसिंथेसिस हुआ, पौधों को क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनसे क्या ये मिलता है? प्रोटीन और फैट। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन भी कंटेन करता है। ये नाइट्रोजन कहां से आया भाई? ये भी सोचने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है? ये तीन चीजें। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इन सभी चीजों से मिलकर के जो बनता है वो प्रोटीन बनता है और फैट बनता है। तो जो प्रोटीन है इसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो यहाँ तो नाइट्रोजन तो है नहीं, तो ये नाइट्रोजन कहाँ आया से आया? तो आप ध्यान देना कि जो नाइट्रोजन होता है ये पौधों को उनके वाटर यानी मिनरल्स के थ्रू प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन जैसा कि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन। लेकिन इनसे ये डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पौधे हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ये कैसे लेते हैं? आप देखो, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ध्यान देना, यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर विल द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं जमीन के अंदर, जड़ों में, पौधों के जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट 78% नाइट्रोजन है, इसमें से नाइट्रोजन को निकालते हैं और इसे ऐसा बना देते हैं, ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि पौधे इसको एब्जॉर्ब कर ले सकते। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब हम फर्टिलाइजर या मैन्योर देते हैं यानी खाद देते हैं पौधों में, तो उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि एक जो लेग्यूम रूट्स होते हैं, जो दलहन फसलें होती हैं, इनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, लेग्यूम रूट्स में ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये लेते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में? तो यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड रिलीज इन सॉइल, और ऐसे फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं जो पौधे नाइट्रोजन को ले सकें, और ये ऐसे बना करके रिलीज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और फिर मिट्टी से पौधे अपने जड़ों के थ्रू इन्हें प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बदले में ये जड़, ये जो कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं, इन बैक्टीरिया को शेल्टर दे देते हैं, अपने जड़ों में रहने के लिए जगह दे देते हैं, अपने जड़ों से भोजन प्राप्त करने के लिए इनको जगह दे देते हैं, खाना और रहना इनको फ्री प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, दूसरे साथ अगर हम देखें, दूसरी मोड न्यूट्रिशन इन प्लांट और क्या होता है? जैसे हमने तो देख लिया क्या, ऑटोट्रॉफ देख लिया, खुद से कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से बनाते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन क्या है? तो सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, ये सिंथेसाइज नहीं करते अपने भोजन बनाने के लिए, यानी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करते जिनसे इनका भोजन बन सके। अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन में कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो पैरासिटिक प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट एंड सेफेरोफाइट। ठीक है, सेफेरोफाइट, ये तीन तरह के जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन, जो मोड ऑफ जो न्यूट्रिएशन है ये हेटरोट्रॉफिक होता है, यानी ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना भोजन। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, जिसको परजीवी बोलते हैं, पूर्ण रूप से किसी और पर निर्भर हो जाना। आपने ये देखा, जैसे अगर पेड़ देख रहे हो आप ग्रीन का, लेकिन इसके ये जो पीले पीले
कुछ आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, इनको कसकटा या आम्रवेल कहा जाता है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से पौधों पे डिपेंड होते हैं अपनी पूरी एनर्जी से। आप यहां ध्यान दें, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये जो है अपना भोजन रेडीमेड लेते हैं, पका पकाया पौधों से प्राप्त कर लेते हैं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ उनके होस्ट होते हैं, उनके गेस्ट होते हैं कह सकते हैं, उनपे सवार होते हैं, है ना। और जो भी होते हैं, कहने का मतलब है द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट, जिन पौधों पे ये चढ़ते हैं या जिन पौधों पे ये रहते हैं, वो पौधे इनके होस्ट होते हैं और ये उनके गेस्ट होते हैं, यानी वो उनकी स्वागत करते हैं, यानी इनके पास ये रहते हैं और ये उनसे स्वागत करवाते हैं, यानी रेडीमेड फूड। जैसे ठीक उसी तरह से कि अगर हम कहते हैं कि गेस्ट जो है हमारे घर पे आता है तो क्या करता है, खाना पकाता है, नहीं, वो हमारे द्वारा पकाया गया खाना उसको तैयार मिलता है टाइम टू टाइम और वो गेस्ट खाता है, है ना। होस्ट क्या करता है, उसकी खातिरदारी करता है। ठीक उसी तरह से ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है ये क्या है, होस्ट है, किसके लिए, इस आम्रवेल के लिए। और आम्रवेल क्या है यहाँ पे, एज ए गेस्ट है, जिसको हम पैरासाइट प्लांट, पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। सिंस इट डिप्रीव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड पैरासाइट। और इस तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स की होती है, पौधों की भी न्यूट्रिएंट ये छीन करके खा जाते हैं, ऐसे होते हैं ये पैरासाइट, ऐसे होते हैं गेस्ट। दूसरी बात करेंगे, दूसरा क्या है, इंसेक्टिवरस प्लांट, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं। आप यहाँ पे देखो, एक कुछ आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर प्लांट, ये पीचर प्लांट है, मॉडिफाइड लीव है, ये पत्तियां ही होती हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया होता है। ये इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा है जिसको बोलते हैं लीड, ठीक है, ये लीड है, इससे जुड़ा हुआ है। और जैसे ही कोई मक्खी या कोई कीड़ा यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा, तो ये लीड जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो इसमें उस जीव से या उस जीव को मार दिया जाता है और उसको ये पत्तियां पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे, when an insect land in the pitcher, the lead closes and the trapped insect gets entangled into the hair. इनके बीच में छोटे छोटे वायर से होते हैं इनके अंदर, तो मिटाते हैं फिर बात करते हैं। इसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे हेयर होते हैं, यानी बाल जैसे होते हैं, और जैसे ही इनके ये कोई कीड़े या कोई कह सकते हैं मक्खियां आकर के बैठती हैं, इसका ये जो लीड है, ये जो ढक्कन है, ये इससे बंद हो जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाता। फिर इसके बाद दो इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, जो पिक्चर होता है इसके अंदर इसमें जूस जैसा कुछ निकलता है और ये उस इंसेक्ट को, उस कीड़े को पचा देता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट, और इस तरह के कीड़े खाने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवरस, यानी कीट भक्षी पौधा। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं, ये सेपरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिशन में सबसे आम एग्जांपल क्या है, मशरूम, ये क्या है, फंगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये जो होते हैं, ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन या कह सकते हैं कि न्यूट्रिएशन जो है मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे एक्सक्रीटा हो गया, गोबर वगैरह, मलमूत्र हो गया, पॉलन लीव्स जो सड़ी हुई गिरी हुई पत्तियां होती हैं, ब्रोकन ट्विंग्स जो लकड़ी डंठल सूखे होते हैं टूटे होते हैं, फूड आर्टिकल्स जो भोजन बचे हुए होते हैं, इन सभी चीज जब सड़ते हैं या खत्म होते हैं तो इन पे ये फंगाई जो है या फंगी जो है उगाता है, जिसको हम कहते हैं मशरूम। तो ये जो मशरूम है ये सेप्रोट्रॉफिक मोड है, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं करते, तो ये सड़े गले या मरे हुए जीवों से या मैटर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ, और इस तरह के जो मोड से या कह सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक मोड से जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से हम देखेंगे कि पौधे किस तरह से वाटर एंड मिनरल करते हैं। तो वाटर एंड मिनरल रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सन, पीछे भी हमने पढ़ा कि जो जड़ों से, जड़ जो है वाटर एंड मिनरल सॉयल से मिलते हैं और ये हर एक ब्रांचेस, हर एक पत्तियों तक पहुंचाते हैं, फिर इसकी ये प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स
आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब बात आती है कि ये जो पौधे जो हैं बार बार न्यूट्रिएशन तो ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो क्या ये मिट्टी में जो न्यूट्रिएशन है वो कैसे पूर्ण होता है, कैसे फिर आता है कहाँ? तो ये आता है फर्टिलाइजर इन मैन्योर, जो हम फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम खेतों में छिड़कते हैं, डालते हैं, खाद डालते हैं। इनमें क्या क्या मिलता है? NPK, MGS, यानी कि मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, और सल्फर, मैग्नीज, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज और सल्फर। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीज सॉरी मैग्नीशियम और सल्फर, मैग्नीज और सल्फर। ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये न्यूट्रिएंट है सॉयल का। और ये कहाँ से मिलती है सॉयल में? तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर से प्राप्त होती है, ठीक है। और यही सारी चीजें, जैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किससे प्राप्त होता है? तो फर्टिलाइजर से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया से भी बनाया जाता है, जो कि हमने बोला कि 78% जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमोस्फियर में है। तो जो लेग्यूम्स जो सीड होते हैं या जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इनसे नाइट्रोजन लेकर के, इनसे नाइट्रोजन लेकर के इसको ऐसे फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कि जड़ जो है अपना नाइट्रोजन इनसे यूज कर लेता है। इस तरह से भी नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, आप देखो, प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर। पौधे जो होते हैं ये अपना नाइट्रो जो एयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है इनको डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमने अभी भी देखा कि ये जो कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो ये ध्यान देना। यहाँ पे देखो आप, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट में क्या होता है? जड़ होते हैं। जड़ में क्या होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। पौधे इनको क्या देता है? लेग्यूम प्लांट के जड़ों में जो ये रहते हैं जीव, इनको देता है फूड एंड शेल्टर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट बैक्टीरिया राइजोबियम, जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ये जो है एटमोस्फियर से प्राप्त किया हुआ नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देता है अवेलेबल नाइट्रोजन, और ये पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि एक दूसरे पे ये निर्भर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी कि जो बैक्टीरिया है इनको पौधे क्या दे रहा है? फूड एंड शेल्टर दे रहा है, और बैक्टीरिया इसको क्या दे रहे हैं? तो नाइट्रोजन दे रहे हैं, यानी एक दूसरे के कामों की यानी कि जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, लाइकेन, जो काई जिसको कहते हैं, ये भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी ठीक उसी तरह से, अब आप देखो यहां पे जो फंगस होता है, ठीक है, जो फंगस है वो क्या होता है? उसमें शेल्टर, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये किसको प्रोवाइड करता है? अलगाई। अलगाई क्या करती है? ये ग्रीन कलर की होती है। फंगस भोजन नहीं बना सकता, तो अलगाई क्या करती है? भोजन बनाती है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाती है, जिसको ये फंगस ले लेता है, और फंगस इसको क्या देता है? अलगाई को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। तो इनका ये क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्लांट सेल। जैसे मनुष्यों में होता है सेल, कोशिका, ठीक है, उसी तरह से प्लांट में भी सेल होता है, जो कि कह सकते हैं कि यूनिट पार्ट होता है, या कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई होता है जीव का सेल। किसी भी जीव की सबसे छोटी यूनिट जो है, छोटी इकाई जो है, क्या होती है? वो सेल। अब आप यहाँ पे देखो, ये सेल का एक स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे ऐसे सेल जुड़े होते हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अगर हम एक सेल को उठाएं तो इनमें क्या मिलेगा आपको? ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेंब्रेन, ठीक है। बाउंड्री के अंदर जो ये छोटे छोटे पैचेस आपको दिख रहे हैं पूरे भरे हुए, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा गीला गीला सा, और इन सब में आपको एक चीज ये दिख रहा होगा, ब्लैकिश ब्लैकिश कहीं ना कहीं पॉइंटेड आपको मिलेगा, ये क्या है? तो ये है न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है। आइए अब इस चीज को समझते हैं। बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो शरीर है छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर के बना है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है, जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और सेल को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं।
सेल इज इंक्लोज बाई थिन आउटर बाउंड्री। हमने कहा कि सेल जो है एक थिन आउटर बाउंड्री से इंक्लोज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और सभी मोस्टली जो सेल होते हैं उनमें बीच में, लगभग बीच में ही मान के चलो कि बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक स्फेयर जैसा, गेंद जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस के आसपास, और कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सराउंडेड होता है जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मौज करते रहें।